हे गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्रेस करें बेल आइकन को ताकि आपको सारी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पे मिलती रहे। हाल ही में भारत का पहला क्रिप्टो करेंसी एटीएम कहां खोला गया है? तो अभी हाल ही में इंडिया का पहला क्रिप्टो करेंसी एटीएम बेंगलोर में खोला गया है। अच्छा, आज पेन काम नहीं कर रहा है इसलिए हम विदाउट पेन ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। मैंने बहुत देर से कोशिश की लेकिन पेन वर्क नहीं कर रहा है इसलिए आज का ये वीडियो हम विदाउट पेन रिकॉर्ड करेंगे। तो इंडिया का पहला क्रिप्टो करेंसी एटीएम बेंगलोर में खोला गया है। अच्छा, ये क्रिप्टो करेंसी क्या होता है? तो ऐसी करेंसी जो सिर्फ इंटरनेट पर एग्जिस्ट करती है, जिसके द्वारा आप इंटरनेट के थ्रू लेन देन कर सकते हो। रियल में ऐसी करेंसी एग्जिस्ट नहीं करती, इसे हम क्रिप्टो करेंसी कहते हैं। जैसे अभी कुछ दिनों पहले आपने बिटकॉइन का नाम सुना होगा, बिटकॉइन बहुत ज्यादा चर्चा में रहा था। तो बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है। तो क्रिप्टो करेंसी के लिए इंडिया में पहला एटीएम खोला गया है और ये कहां खोला गया है? बेंगलोर में खोला गया है। अच्छा, बात आ गई बेंगलोर की, तो बेंगलोर से भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेंगलोर इंडिया का पहला सिटी बना है जिसने अपना ऑफिशियल लोगो लॉन्च किया है। ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसने जो अपना ऑफिशियल लोगो लॉन्च किया था उसमें दो लैंग्वेज का यूज किया गया था, इंग्लिश और कन्नड़। इन दो लैंग्वेज में मिक्स करके बेंगलोर लिखा गया था। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। क्वेश्चन है, हाल ही में किसे जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो अभी हाल ही में मुजफ्फरपुर की लीची को जीआई टैग प्रदान किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये जीआई टैग क्या होता है, इसके बारे में आपको पहले भी बता चुका हूं। जीआई की फुल फॉर्म होती है जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन टैग। अब ये होता क्या है, जैसे कोई चीज किसी पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती है तो उसको दे दिया जाता है जीआई टैग, यानी कि उस एरिया की पहचान बनाए जाने के लिए ये जीआई टैग दिया जाता है। अभी कुछ दिनों पहले अल्फांसो आम को भी जीआई टैग दिया गया था, और अल्फांसो आम कहां पाया जाता है? महाराष्ट्र के आसपास के एरिया में पाया जाता है। तो अभी लेटेस्ट में अल्फांसो आम को मिला था जीआई टैग, और अब बिहार के मुजफ्फरपुर की लीची को जीआई टैग दिया गया है। तो ये आप याद रखिए। हाल ही में महाराणा प्रताप द इनविजिबल वॉरियर नामक पुस्तक का अनावरण किया गया है, ये किसने लिखी है? तो ये लिखी है रीमा हुजा ने। ये एक इतिहासकार हैं रीमा हुजा। आप इमेज में देखिए, ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रही हैं यही हैं रीमा हुजा, और ये एक इतिहासकार हैं। इन्होंने अभी हाल ही में महाराणा प्रताप के जीवन पर बेस्ड ये पुस्तक लिखी है, महाराणा प्रताप द इनविजिबल वॉरियर। इसमें हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में भी वर्णन किया गया है। तो इनका नाम आप याद रखिए रीमा हुजा, इन्होंने ये बुक लिखी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरआईएल ने हैथवे और किस कंपनी के साथ रणनीतिक साझेदारी की है? आरआईएल यानी कि रिलायंस इंडिया लिमिटेड, इसने अभी हाल ही में दो कंपनियों के साथ साझेदारी की है। एक तो है हैथवे और दूसरी है डेन, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आपको पता है रिलायंस ने जियो लॉन्च कर दिया है, तो मोबाइल के सेक्टर में रिलायंस घुस चुका है, अब टीवी के सेक्टर में रिलायंस जाना जा रहा है। तो केबल टीवी के सेक्टर में रिलायंस अपनी पहुंच बनाने के लिए इन दो कंपनियों के साथ साझेदारी की है, हेल्थवे और डेन। डेन नेटवर्क आपने यूज किया होगा, डेन का केबल आता है, उसके साथ साझेदारी की है रिलायंस इंडिया लिमिटेड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में युवा ओलंपिक खेल 2018 में आकाश मलिक ने कौन सा पदक जीता है? तो अभी हाल ही में युवा ओलंपिक खेल 2018 में आकाश मलिक ने जीता है रजत पदक, यानी कि सिल्वर मेडल। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। पहले आप इमेज में देख लीजिए, ये हैं आकाश मलिक और इन्होंने तीरंदाजी यानी कि आर्चरी में ये सिल्वर मेडल जीता है। अब बात आ गई युवा ओलंपिक खेलों की, तो मैंने आपको कई बार बता दिया कि इस बार के युवा ओलंपिक खेल हो कहां पे रहे हैं। तो ये हो रहे हैं अर्जेंटीना की कैपिटल ब्यूनस आयर्स में। तो एक तो आपको ये याद रखना है कि इस बार के युवा ओलंपिक खेल हो कहां पे रहे हैं, और दूसरा आपको युवा ओलंपिक खेलों का मस्कट यानी कि शुभंकर याद रखना है। तो इस बार के युवा ओलंपिक खेलों का शुभंकर है पंडी, तो इसका नाम भी आप याद रखिए। अच्छा, ये शुभंकर क्या होता है? जैसे जिस भी एरिया में ये गेम्स होते हैं उस एरिया के किसी फेमस जानवर को शुभंकर बना दिया जाता है या किसी पक्षी को शुभंकर बना दिया जाता है, तो वहां पर जो भी चीज फेमस होती है उसको उसकी पहचान के रूप में शुभंकर बना दिया जाता है। तो इस बार के युवा ओलंपिक खेलों का शुभंकर क्या है? पंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्वास्थ्य भारत यात्रा अभियान की शुरुआत किसने की है? तो अभी हाल ही में खाद्य दिवस मनाया गया था, विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को, और उसी दिन ये स्वास्थ्य भारत यात्रा अभियान की शुरुआत की है केंद्र सरकार ने।
स्वस्थ भोजन और स्वस्थ रहने के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक साइकिल अभियान है और इसका नाम रखा गया है स्वास्थ्य भारत यात्रा अभियान और इसकी शुरुआत किसने की है? केंद्र सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए हृदयनाथ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किए गए हैं खय्याम, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इनका पूरा नाम है मोहम्मद जहूर खय्याम हाशमी। इनको अभी हाल ही में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए हृदयनाथ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब ये हृदयनाथ पुरस्कार होता क्या है? तो इसमें 1,00,000 रुपए कैश में मिलते हैं, उसके अलावा एक स्मृति चिन्ह यानी कि एक मेडल मिलता है। तो ये है हृदयनाथ पुरस्कार, इसमें 1,00,000 रुपए और एक मेडल मिलता है। तो इस बार का हृदयनाथ पुरस्कार मिलेगा खय्याम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है सुहेल टंडन ने, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं यही है सुहेल टंडन और इन्होंने इस बार का अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति पुरस्कार जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एनडी तिवारी का निधन हुआ है, वे किस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे? तो अभी हाल ही में एनडी तिवारी का निधन हो गया है और ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, एनडी तिवारी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे उस टाइम उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक ही था, उस टाइम एनडी तिवारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे, बाद में ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रहे। तो इनका नाम याद रखिए, इनका अभी हाल ही में 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। आप इमेज में देखिए यही थे एनडी तिवारी और इनका अभी हाल ही में 93 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ हैंड इन हैंड अभ्यास फिर से शुरू किया है? तो अभी हाल ही में भारत ने चाइना के साथ हैंड इन हैंड अभ्यास फिर से शुरू किया है। अच्छा, ये फिर से शुरू करने का क्या मतलब है? तो ये अभ्यास 2016 में हुआ था, उसके बाद 2017 में नहीं हुआ, अब 2018 में ये फिर से शुरू किया गया है। अब ये अभ्यास है चाइना के साथ, तो आप मैप में देखिए, ये है चाइना, चाइना की कैपिटल है बीजिंग, चाइना की करेंसी है रेनमिनबी और चाइना के प्रेजेंट टाइम प्रेसिडेंट कौन है? सी जिनपिंग। तो इतना आप चाइना के बारे में याद रखिए। हाल ही में देश का पहला धुआं मुक्त राज्य कौन सा बनने जा रहा है? तो अभी हाल ही में देश का पहला धुआं मुक्त राज्य बनने जा रहा है केरल, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, ये धुआं मुक्त राज्य का क्या मतलब है? तो केरल इकलौता ऐसा राज्य बन गया है जिसमें 100% एलपीजी कनेक्शन दिए जा चुके हैं। इसका मतलब है कि केरल इंडिया का पहला धुआं मुक्त राज्य बन गया है क्योंकि यहाँ पे 100% एलपीजी कनेक्शन दिए जा चुके हैं। अब केरल बना है इंडिया का पहला धुआं मुक्त राज्य, तो आप मैप में देखिए, ये है केरल, केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, केरल के प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजयन और केरल के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? पी सदाशिव। अच्छा, केरल का नाम आ गया तो एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि शांत घाटी कहां पे है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो आप याद रखिए केरल में ही है शांत घाटी और केरल का नाम है। तो एक और क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं, कई बार पूछा जाता है कि पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पे है, तो ये भी केरल में है। तो जब भी केरल का नाम आए ये दो क्वेश्चन आपको रिवाइज करने हैं, शांत घाटी और पेरियार वन्यजीव अभयारण्य। अच्छा, शांत घाटी की बात आई है तो इसी तरह की एक और घाटी पूछी जाती है, फूलों की घाटी, वो कहां पे है? वो उत्तराखंड में है। तो इन दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है कि शांत घाटी और फूलों की घाटी, तो आप याद रखिए शांत घाटी है केरल में और फूलों की घाटी है उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े मानव रहित ड्रोन का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है? तो अभी हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े मानव रहित ड्रोन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है चाइना ने, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब इसका सफलतापूर्वक परीक्षण चाइना ने कर तो लिया, तो इस ड्रोन का नाम आपको पता होना चाहिए। इस ड्रोन का नाम है फियोंग 98। क्या नाम है इसका? फियोंग 98। तो इस ड्रोन का नाम आप याद रखिए, ये दुनिया का सबसे बड़ा मानव रहित ड्रोन है। आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में नोकिया ने किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो अभी हाल ही में नोकिया ने आलिया भट्ट को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था। ये खिलाड़ी कौन है? ये एक किसान का बेटा है और तीरंदाजी में यानी आर्चरी में इसने यूथ ओलंपिक खेलों में सिल्वर मेडल जीता है। क्या नाम है इसका? तो ये आपके लिए एक इंस्पिरेशन का काम करेगा कि एक किसान का बेटा इस तरह से अंतरराष्ट्रीय
यूथ ओलंपिक जैसे टूर्नामेंट में एक रजत पदक लेकर आ रहा है। अब वीडियो को शुरू करते हैं। पहले आज आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड T20 इसका जो ऑफिशियल एंथम है वो लॉन्च किया गया था। तो आपको बता दूं कि जो आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड T20 क्रिकेट टूर्नामेंट होगा वो खेला जाएगा वेस्ट इंडीज में। और अगर पूछें कि वेस्ट इंडीज में इसमें क्या चीज ऐसी है जो पहली बार इस टूर्नामेंट का हिस्सा बनेगी, वो है डिसीजन रिव्यू सिस्टम। यानी अगर आप एम्पायर के किसी फैसले से असहमत हैं तो आप कंप्यूटर की मदद से उस फैसले को रिव्यू कर सकते हैं। जो दोनों टीम है दोनों को एक एक मौका दिया जाएगा। और इस साल का यानी आईपीएल 2018 उसमें पहली बार आईपीएल में डिसीजन रिव्यू सिस्टम को लाया गया था। और अब वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप जो होगा महिलाओं का वेस्ट इंडीज में, उसमें इसको लाया गया। इसके अलावा दो तीन बुक्स हैं लेटेस्ट जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहली चेतन भगत की नई किताब आई है अभी अभी, जिसका नाम है द गर्ल इन रूम 105। एक कमरा नंबर 105 में जो रहने वाली है वो लड़की, ये इसका हिंदी अनुवाद होगा द गर्ल इन रूम 105। और बहुत ही बड़े एक लेखक हैं पोलो कोलियो, आपने इनकी जरूर बहुत सारी किताबें पढ़ी होंगी जैसे द अल्केमिस्ट और यू नो सैड बाय द रिवर शी क्राइड और बहुत सारी हैं इनकी जो नॉवेल्स हैं। तो इनकी लेटेस्ट जो नॉवल आई है वो आई है हिप्पी, HIPPIE हिप्पी। इसमें इन्होंने अपना जो जीवन इनका बीता है अपने यंग डेज उनके बारे में बताया कि जब ये जवान थे तो ये कैसे दिखते थे, कैसे बात करते थे, उसका जो एक ब्यौरा दिया है अपने ही जीवन का इन्होंने हिप्पी में। एक बुक और है जो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी में आ गई है और जो बुक कंट्रोवर्सी में आ जाती है वो एग्जाम में जरूर पूछी जाती है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और भारतीय सेना के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल जमीरुद्दीन शाह की किताब है जिसका नाम है द सरकारी मुसलमान। ये किताब लिखी है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर यानी कुलपति और लेफ्टिनेंट जनरल, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल भी थे ये आर्मी में, इनका नाम है जमीरुद्दीन शाह। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है द सरकारी मुसलमान। एक किताब और अभी कल ही रिलीज हुई है, इसका नाम है महाराणा प्रताप द इनविंसिबल वॉरियर। इनविंसिबल का मतलब होता है शब्द का कि जिस जो कभी हारे ना, जिसको हराया ना जा सके। महाराणा प्रताप द इनविंसिबल वॉरियर नामक किताब किसने लिखी है, ये लिखी है रीमा हुजा। कमेंट्स में लिख के ये बताइए कि हल्दी घाटी का युद्ध कौन से दो राजाओं के बीच में हुआ था। ये मेरा है पहला। दूसरा सवाल, हल्दी घाटी का युद्ध कौन से दो राजाओं के बीच में हुआ था। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जिसका मुख्यालय है लॉजैन है स्विट्जरलैंड में, तो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय है लॉजैन में, उन्होंने स्पोर्ट एंड एक्टिव सोसाइटी कमीशन ग्रांट अवार्ड दिया है यानी खेल और सक्रिय समाज आयोग का पुरस्कार। यानी कि बेसिकली समाज में खेल का विकास करने में जिस व्यक्ति का योगदान है उसे यह पुरस्कार दिया जाता है। ये किसे मिला है? ये मिला है सोहेल टंडन को। और सोहेल टंडन कौन है? सोहेल टंडन की एक कंपनी है जिसका नाम है प्रो स्पोर्ट डेवलपमेंट। मैं रिपीट करता हूं, प्रो स्पोर्ट डेवलपमेंट नाम की कंपनी है सोहेल टंडन की और ये बेसिकली खेलों का विकास करने में इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अभी अभी एक फुटबॉल टूर्नामेंट हुआ जिसका नाम है पुतैया मेमोरियल कप। इसको किसने जीता और फाइनल में किसको हराया, ये दो ही सवाल पूछे जाते हैं किसी भी टूर्नामेंट में, फाइनल में कौन हारा और जीता किसने। तो ये फाइनल में जो जीता यानी टूर्नामेंट जो जीता वो है बेंगलुरु फुटबॉल क्लब और इन्होंने फाइनल में हराया। फाइनल में जो टीम हारी वो है मद्रास इंजीनियरिंग ग्रुप। भारत संचार निगम लिमिटेड, ये हमारी सरकारी दूरसंचार कंपनी है, टेलीकॉम कंपनी है सरकारी BSNL, इन्होंने किस कंपनी के साथ मिलकर ऑटोमेशन पर काम करना स्टार्ट कर दिया है। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सॉल्यूशन यानी औद्योगिक स्वचालित समाधान इन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया है। किस कंपनी के साथ टाई अप करा है, यह कंपनी है नोकिया कंपनी ने आलिया भट्ट को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है अभी। और जो BSNL कंपनी है इन्होंने मैरीकॉम को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है और मैरीकॉम को ट्राइब्स इंडिया ने भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया है।
क्यूएस इंडिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग भारत के लिए आई है। बता दूं आपको, क्वैक कुरुली सिमोन रैंकिंग बोलते हैं इसको, शॉर्ट में क्यूएस। पहली बार भारत के लिए अलग से निकाली गई है रैंकिंग, यह बताने के लिए कि भारत का नंबर वन यूनिवर्सिटी कौन सा है। तो भारत का नंबर वन जो विश्वविद्यालय है वो कौन सा है, यह है आईआईटी बॉम्बे, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे। और नंबर दो पे है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। इससे पहले रैंकिंग आई थी टाइम्स रैंकिंग। टाइम्स रैंकिंग और क्यूएस रैंकिंग ये सबसे प्रतिष्ठित दो रैंकिंग मानी जाती है। टाइम्स रैंकिंग के हिसाब से भारत का नंबर वन था आईआईएससी बेंगलुरु, लेकिन क्यूएस के हिसाब से बेंगलुरु वाला आईआईएससी है नंबर दो पर। तीसरे नंबर पे है आईआईटी मद्रास, चौथे पे है आईआईटी दिल्ली, पांचवे पे है आईआईटी खड़गपुर। केंद्र सरकार ने इसकी अध्यक्षता में न्यायाधीशों का एक पैनल बनाया है, एक समिति बनाई है, जो अगर वर्क प्लेस पर, जहां आप काम कर रहे हैं उसे बोलते हैं वर्क प्लेस, वहां पे अगर आपके साथ सेक्सुअल हरासमेंट या जिसको हिंदी में बोलते हैं यौन उत्पीड़न होता है, उसको नियंत्रण करने के लिए समिति बनी है। यानी कि यौन उत्पीड़न जो है उसको कम करने के लिए कानूनी ढांचा तैयार करेगी ये समिति। इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अध्यक्ष बने हैं जस्टिस जे एस वर्मा, न्यायमूर्ति जे एस वर्मा। एक एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नाम है सुकार्य। इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी है। इस रिपोर्ट के अनुसार, और इसको लॉन्च करा हमारे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है और हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं जेपी नड्डा। तो एनजीओ सुकार्य ने रिपोर्ट दी है, उसके हिसाब से पूरी दुनिया में जितने भी बोने बच्चे हैं, जिन्हें अंग्रेजी में बोलते हैं स्टंटेड, STUNTED, स्टंटेड मतलब होता है जिनकी हाइट जितनी होनी चाहिए उससे कम है, उसे बोलते हैं स्टंटेड। तो पूरी दुनिया में जितने भी स्टंटेड बच्चे हैं उनमें से भारत में कितने हैं, तो भारत में 40% से ज्यादा पूरी दुनिया के बोने बच्चे भारत में। आयुष में निवेश, आयुष आप जानते हैं, आयुष को अब एक शब्द मान लिया गया है, और वैसे आयुष आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी, पांच को मिला के बोलते हैं आयुष। यह हमारा अलग मंत्रालय है जिसके मंत्री हैं श्रीपद यसो नायक। तो आयुष में निवेश पर पहली राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन के लिए प्रारंभिक बैठक कहां आयोजित की गई, यह बैठक हुई दिल्ली में। दिल्ली विश्व खाद्य दिवस के अवसर पर भारत सरकार ने सुरक्षित भोजन के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए एक अभियान शुरू करा है। इसका नाम क्या है, इस अभियान का नाम है स्वस्थ भारत यात्रा। स्वस्थ भारत यात्रा। भारत का पहला क्रिप्टो करेंसी एटीएम कहां लगाया गया है, क्रिप्टो करेंसी एटीएम कहां लगाया है यह भी पता होना चाहिए, और किस कंपनी ने लगाया यह भी पता होना चाहिए। क्रिप्टो करेंसी आप जानते हैं डिजिटल करेंसी को बोलते हैं, जैसे बिटकॉइन, और यह जो लगाया है यह लगाया है यूनोकॉइन ने, यूनोकॉइन, और यह बेंगलुरु में लगाया है सबसे पहला। बिहार का कौन सा शहर है जहां की शाही लीची, उसको भौगोलिक संकेतक मिल गया है। ये बहुत लंबे समय से कोशिश कर रहे थे, फाइनली ज्योग्राफिकल इंडिकेटर यानी भौगोलिक संकेत टैग मिल गया इन्हें। ये है मुजफ्फरपुर की, मुजफ्फरपुर की लीची। और आगे बढ़ने से पहले बता दूं, 2018 में इस साल किस किस चीज को मिला है भौगोलिक संकेतक। ये साल के शुरू में केरल का जो निलंबूर टीक है उसे मिला था, लेकिन वो हम 2017 में गिनेंगे क्योंकि वो दिसंबर के आखिरी सप्ताह में हुआ था। तेलंगाना का अदिलाबाद डोकरा और वारंगल डूरी, बोकासोल चावल असम का, कड़कनाथ मुर्गा झबुआ मध्य प्रदेश का, बिहार की तीन आइटम इस साल इनको ज्योग्राफिकल इंडिकेटर मिल चुका है, तो ये बिहार की चौथी आइटम है जिसे इस साल ये मिला है। बिहार का कटरनी राइस है जो मुंगेर, बंका और साउथ भागलपुर में खाया जाता है। बिहार का जरदालू आम जो भागलपुर में खाया जाता है। बिहार का मगही पान जो मगध का इलाका था, औरंगाबाद, गया, नालंदा वगैरह, वहां पे मगही पान इसको मिला है। और अभी अभी अल्फोंसो आम जो महाराष्ट्र के रत्नागिरी, सिंधु दुर्ग वगैरह में मिलते हैं, और अब फिर शाही लीची जो बिहार के मुजफ्फरपुर में मिलती है, इनको मिला है भौगोलिक संकेत। 12वीं एशिया यूरोप मीटिंग शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया, यह आयोजित किया गया ब्रुसेल्स में, और ब्रुसेल्स है बेल्जियम की राजधानी, बेल्जियम देश की राजधानी है। और यहां पर मुख्यालय किसका है, एक तो है नाटो का, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, अमेरिका और उनके जो एलाइज हैं उनको, जो मिलिट्री एलाइज हैं उनको बोलते हैं नेटो, और यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन संघ का मुख्यालय भी है ब्रुसेल्स में। नारायण दत्त तिवारी का निधन हो गया, ये कौन से राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे, ये
उत्तर प्रदेश के भी थे और उत्तराखंड के भी थे। सो यहां पे उत्तर प्रदेश नहीं दिया ऑप्शन में, तो आंसर हो गया उत्तराखंड। और अगर यहां पे उत्तराखंड भी दिया होता और उत्तर प्रदेश भी दिया होता तो आंसर हो जाता दोनों, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। तो ये खैर पूरी टर्म कंप्लीट नहीं कर पाए थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये अलग अलग टाइम पे बने हैं, एक एक साल के लिए बने हैं। पहले बने थे 1976 से 77, फिर बने थे 1984 से 85 और फिर बने थे 1988 से 89। यानी तीन बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने लेकिन सिर्फ एक एक साल के लिए। और फिर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पूरे पांच साल रहे, 2002 से 2007। क्या आप ये बता सकते हैं जब उत्तराखंड बना था, आप जानते हैं 9 नवंबर 2000 को बना था उत्तराखंड, तो जब उत्तराखंड बना था तो उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, कमेंट्स में लिख के बताइए। फूल पत्ती का त्योहार ये कौन से देश में मनाया गया? फूल पत्ती का जो त्योहार होता है ये एक विशेष त्योहार है और ये एक इस देश में एक और त्योहार मनाया जाता है जिसको बोलते हैं दशायन। दशायन, दशायन के सातवें दिन पर होता है फूल पत्ती का त्योहार, यह मनाया जाता है नेपाल में, नेपाल। इनमें से आपको पता होगा सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगन, बहुत सारी जगह थी। तो जो कौन सी ऐसी सिंधु घाटी सभ्यता का इलाका था जहां पे एक इंक पॉट मिला है? इंक पॉट समझते हैं आप, यानी जो पैन में डालने वाली शाही होती है, तो शाही की दवात मिली है, एक चीज जिसमें शाही रखी जाती है, पैन की शाही, इंक पॉट, ये मिली चहुंडारो में। चहुंडारो जो है पाकिस्तान में है आज, ये मोहनजोदड़ो से लगभग 120 किलोमीटर दूर है चहुंडारो। और चहुंडारो एकमात्र ऐसी जगह थी सिंधु घाटी सभ्यता की जहां पर कोई किला नहीं मिला है, जिसे बोलते हैं सिटाडल, ये नहीं मिला है यहां पर। इनमें से कौन से राजवंश के राजा थे जिन्हें कवि वत्सल कहा जाता था? कवि वत्सल, कवि वत्सल कहा जाता था राजा हल को, राजा हल। और राजा हल थे सातवाहन के राजा, सातवाहन वंश के राजा थे, दक्षिण भारत पे राज किया सातवाहन वंश ने, इसके राजा थे राजा हल, इन्हें कवि वत्सल भी कहा जाता था। बंगाल में बहुत लंबे समय तक राज करा पाल राजवंश ने, पाल राजवंश, इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे राजा गोपाल, राजा गोपाल। अभी अभी एक किताब लिखी है जिसका नाम है एल्बो ग्रीस, बच्चों के लिए लिखी है किताब। किसने लिखी है ये? ये लिखी है WWE, वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट। आप भी देखते होंगे पहले WWF बोलते थे, अब बोलते हैं WWE। उनके ये खिलाड़ी हैं, ये पहलवान है जिनका नाम है जॉन सीना। तो जॉन सीना ने लिखी है ये किताब एल्बो ग्रीस। यौन उत्पीड़न के आरोपों पर हाल ही में कौन केंद्रीय मंत्री हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है? ये हमारा जो विदेश मंत्रालय है उसके अंदर ये केंद्रीय मंत्री थे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, यानी सुषमा स्वराज के अधीन ये काम करते थे। इनका नाम है MJ अकबर। लगभग 20 से ज्यादा महिलाओं ने इनके ऊपर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए, MJ अकबर। हाल ही में 2018 का मैन बुकर पुरस्कार किसने जीता है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है।